गाइज, आप सबको भी पता है कि पेटीएम एप्लीकेशन में रेंट पेमेंट के थ्रू जब हम लोग अपना मनी ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट कार्ड का पर्सनली, तो हम सबका कम चार्ज में मनी ट्रांसफ़र भी हो जाता है और इंस्टेंटली प्रोसेस भी हो जाता है। बट बता दूँ कि इसमें दो अपडेट आया है, ये अपडेट आप पहले जान लीजिएगा, उसके बाद ही जाकर भी आप पेटीएम एप्लीकेशन से रेंट पेमेंट कीजिएगा। चाहे आप 50,000 करते हैं तो भी, या 50,000 से ज़्यादा करते हैं तो भी आप सबके वीडियो को ज़रूर ही देखना चाहिए, या 50,000 आप कम करते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और पूरा नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद ही जाकर मनी ट्रांसफर कीजिएगा। सबसे पहला अपडेट बता दूं, अगर आप पेटीएम का एफडी अकाउंट अगर आप ओपन किए हैं तो आप भी आप अपना रेंट पेमेंट के थ्रू अपना एफडी का बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वही प्रोसेस करना है, अपना रेंट पेमेंट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। रेंट पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद जिस प्रकार आप अपना पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस ट्रांसफर करते थे ना, सेम इसी प्रकार आपको एक ऑप्शन आएगा पेटीएम का एफडी अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पेटीएम का एफडी अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे और उधर से आपको अपना रेंट पेमेंट के थ्रू अपना एफडी का बैलेंस भी अपनी सेविंग अकाउंट में आप सब ट्रांसफर कर सकते हैं। बट बता दूं कि पेटीएम ने आपको ये अथॉरिटी दिया है, आपको जब भी एफडी को तोड़ना रहेगा यानी बैलेंस विड्रॉ करना रहेगा, आप सब डायरेक्टली एफडी पर क्लिक करके उस बैलेंस को अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं इंस्टेंटली। बट नया फीचर इंक्लूड करके दिया गया है पेटीएम की तरफ से, ये आप सबके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो गाइस उसके बाद एक और अपडेट है जो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं लाइव कि एक पेटीएम ने क्या नया और एक अपडेट किया है। गाइज, पेटीएम का जो नया अपडेट आया है वो अपडेट आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आपको पेटीएम एप्लीकेशन का कोड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसा ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका एम पिन रहेगा अपना एम पिन डालेंगे और ये एप्लीकेशन का ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें देखिए इसमें आप सबको पर्सनल लोन भी आपको मिलता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो का आइकन पर उसका लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में मेन जो हम लोग का आज मकसद है वो है रेंट पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, आपको ये रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इससे पहले होता था क्या गाइज, आपको मैं पहले ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ कि मैं कितना कितना का अमाउंट अभी तक ट्रांसफर इसमें किया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रात में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप देखेंगे, पहले आप देखिएगे तो लास्ट पे जो हमको दिया गया 12 अगस्त यानी 12 तारीख, आज 13 अगस्त है और 12 अगस्त को मैं 40,000 रुपये मनी ट्रांसफर किया। उसके बाद फिर से 12 अगस्त को आप देखेंगे इस पर 10,000 रुपये मनी ट्रांसफर किया। ठीक है, जो कि मैं रात को किया था और इंस्टेंटली हमारे अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो भी गया। ठीक है, बट आप बोलेंगे इसमें अपडेट क्या आया है, तो चलो इसे पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इधर हम कर देते हैं टोटल 40,000 को हटा के इधर करते हैं 50,000। ठीक है, जैसे आप 50,000 इधर डाल करें उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इधर एक ऑप्शन आपको अभी दिखाई देगा पैन कार्ड नंबर। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आरबीआई गाइडलाइंस का अनुसार अभी आपको 49,999 से आप एक्स्ट्रा बिल पेमेंट करते हैं यानी रेंट पेमेंट करते हैं तो अभी आप सबको ये जो है आपका पैन कार्ड नंबर कंपलसरी आपको उधर से देना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपको पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया जाएगा। ये अभी बहुत बड़ा अपडेट दे दिया गया है। गाइस, आप बोलेंगे कि पैन कार्ड नंबर डालने से हमको नुकसान क्या होगा। गाइस, अगर आप पैन कार्ड नंबर इधर आप डालते हैं, पैन कार्ड नंबर इधर से डालते हैं तभी आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी। यानी अगर आपके सेविंग अकाउंट में ये बैलेंस जाता है चाहे कहीं से भी जाए, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो कि ईयरली का 10,00,000 होता है। अगर आप 10,00,000 क्रॉस कर जाते हैं एक साल के अंदर अंदर तो आपको जो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो आप सब संभल के कीजिएगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस विदड्रॉ करना ही है तो आप कभी भी 40,000 से कम कीजिए। ठीक है, जो कि आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी 40,000 ही किया था तो हमको पैन कार्ड नंबर नहीं मांगता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 50,000 अगर जरूरत हो चुका है आपको तो एक बार 40 की 40 वगैरह क्लिक करके तो आप कुछ भी नहीं मतलब मांगता है, डायरेक्टली आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप इसमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर आप फिल करेंगे और आपका पेमेंट इधर से सक्सेसफुली हो जाएगा। बट इधर अगर आप यहीं पे 50,000 अगर आप कर देते हैं तो 50,000 के ऊपर आपको जो है पैन कार्ड नंबर कंपलसरी कर दिया गया है पेटीएम की तरफ से भी, वो आपको इधर से पैन कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा तो ही जाकर आप इधर से रेंट पेमेंट कर सकते हैं।